नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशगोर में। दोस्तों, आज हम भारत में निकलने वाली एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप उसमें जरूर आवेदन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भारत में निकलने वाली प्रत्येक भर्तियों की जानकारी, ऑल इंडिया की सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन किस प्रकार से करते हैं भर्तियों में, सभी जानकारी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम आज के वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं राजस्थान में निकली 23,820 पदों पर जो भर्ती निकली है राजस्थान में सफाई कर्मचारी की, उसके लिए आप आवेदन यहां से कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, योग्यता क्या क्या रहेगी, सभी जानकारी आज आपको देने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ एक हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम है गोर न्यूज 24 लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जरूर फॉलो कर लीजिए सभी अपडेट पाने के लिए। सफाई कर्मचारी के 23,820 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है, 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पहले जो आवेदन की तारीख थी वो 6/11/2024 थी, अब इसकी तारीख को बढ़ाकर 20/11/2024 कर दी गई है। राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग ने 23,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर तक तय की गई थी, इसे आगे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया। उम्मीदवार 11 से 25 नवंबर तक ₹100 फीस देकर फॉर्म में करप्शन करा सकते हैं। इस भर्ती के लिए राजस्थान के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो इसमें आप जरूर से आवेदन करिएगा। तो चलिए क्या है आगे की प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। भर्ती के पद की अगर हम बात करें तो दोस्तों, भर्ती का पद जो है वो सफाई कर्मचारी का रहेगा। केवल सफाई कर्मचारी के 23,820 पदों पर भर्ती निकले। आवेदन की तारीख जैसे कि हमने आपको पहले बताया 6/11/2024 से इसकी डेट बढ़ी है, जो कि 20/11/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2024 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉग इन करने के बाद एक वर्णीय पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क के राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी। मतलब कि अगर आप वन टाइम प्रणाली में अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप फिर राजस्थान में निकलने वाली कोई सी भी भर्ती में अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको निःशुल्क ही आवेदन होंगे। ठीक है, वन टाइम प्रणाली में आप जरूर से आवेदन करिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ताकि ये आपको जो ₹400 हैं वो नहीं लगेंगे। केवल एक बार आपका पैसा लगेगा रजिस्ट्रेशन करने का, उसके बाद कोई सी भी भर्ती में आवेदन करिए टोटल निशुल्क है। सामान्य अनारक्षित के ₹600 यहाँ पर आपको जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम पद की बात करें तो 23,820 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी। 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें ना ही आपको 10वीं चाहिए ना ही 12वीं चाहिए। आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो, बस आपके पास ये दो चीज होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो सफाई का 1 साल का आपके पास अगर अनुभव है तो वो लगाना है आपको, और नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़कों की सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से मिली सर्टिफिकेट आपके पास मान्य। अगर वो है तो आपको सफाई का अनुभव भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो अगर आपके पास है सफाई का अनुभव नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और सिग्नेचर आपको लगेंगे। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित है। काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दे होगा। 18,900 से ₹56,800 प्रतिमाह आपको जो है वो वेतन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई से भर्ती निकलती है तो सबसे पहले हम उसकी देखते हैं क्वालिफिकेशन, और दूसरी चीज देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगर
नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु आवेदन प्राप्त से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया द्वारा चयन किया जाएगा। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनाकर वर्गवार विज्ञप्ति पदों की संख्या के अनुसार चयन किया जाएगा। मतलब लॉटरी के अनुसार आपका जो चयन किया जाएगा, अगर आप इसमें चयनित हो जाते हैं, इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको राज्य सरकार के नियम अनुसार पेंशन भी दी जाएगी। जब आप रिटायर हो गए तब आपको पेंशन भी यहाँ पर दी जाएगी। अब इसमें आवेदन किस प्रकार से करते हैं वो अब हम बता देते हैं आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट requirement.rajasthan.gov.in पर आपको चले जाना है। होम पेज पर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के सामने अभी आवेदन करें पर आपको क्लिक कर देना है। SSO पोर्टल पर लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और जो फीस आपको निर्धारित की गई वो फीस आपको जमा करनी है। फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर रख लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर आपको क्लिक कर देना है, आप इससे ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे। उसके बाद यहां पर आपको चले जाना है। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चले जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भारत में निकलने वाली वैकेंसियों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।